और ये सर्टिफिकेट आपको दे रहे हैं आपकी मोटिवेशन के लिए दे रहे हैं, और आपको जो भी दे रही है क्योंकि आप मोटिवेट होंगे। जो लोग जिन लोगों को सर्टिफिकेट नहीं मिल रही है वो ज़्यादा मायने नहीं करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम के लिए आप प्रिपेयर करो, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेंगी और ट्रॉफी और जो भी अवार्ड होंगे वो सब कुछ मिलेगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा खुद को। जो लोग थोड़ा बहुत भी अपने ऊपर काम किए, हमने पूरी कोशिश की है कि उनको मोटिवेट और करें। ये देखो, सर्टिफिकेट मिलने का ये मतलब नहीं कि आप दुनिया का सबसे नंबर वन स्पीकर बन चुके हैं, नहीं समझे। सर्टिफिकेट मिलने का मतलब ये होता है कि आप थोड़ा मोटिवेट रहो कि मैंने जो थोड़ा बहुत मेहनत किया है उसकी कुछ ना कुछ हमें मिला है, तो इसलिए ये मत समझ लेना। लेकिन इसके ये नहीं मतलब कि मैं अच्छा स्पीकर बन गया तो अब मेहनत करने की हमें ज़रूरत नहीं है। सभी को मेहनत करने की ज़रूरत है। इनको आप एक बार यहाँ आ सकती हैं, आप एक बार लीजिए, नीचे से स्टार्ट करेंगे ये दो को। ओ मिस्टर कुर्बान खान, फॉर द पोजीशन ऑफ बेस्ट रनर। मिस्टर ललित फॉर द बेस्ट रनर। मिस्टर सूरज कुमार, ये इनको अवार्ड स्पीकिंग के साथ साथ इनकी कॉन्फिडेंस के लिए दी जा रही है, क्योंकि ये अकेले थे, बता रहा हूँ, ये अकेले थे, इतने इतने सारे बच्चों में कोई खड़ा नहीं होता था, बेचारा अकेले खड़ा हो जाता था, काफी कॉन्फिडेंस है। मिस महक, दिशा को दे दो, दिशा को दे दे। अब कितने कौन कौन बचे हैं? अब दो जन बचे हैं। अब बेस्ट स्पीकर के लिए मिस्टर दीपक चंद्र। आप बीच में आ जाओ, आप एक बार यहाँ आ जाओ। कौन किधर आए? इधर आ जाइए, यहाँ सर जी। मैम आएंगे? हाँ मैम, थोड़ा सा एक फोटो में रुकिए आप। हाँ ठीक है, चलिए आप जी, आप इस एक सेकंड,
चलो बैठो। फर्स्ट इसमें कोई नहीं है, बेस्ट चेयर है ना। हाँ तो वही है ना, वही है ना। और कौन है मैम? मिस्टर मोहम्मद शरीफ। मतलब इनका तो आना ही चाहिए। भाई पैनल लगेगा। सबसे टॉप पे आई स्माइल। ठीक फोटो है ना? चलिए अब ये ले जाइए। मैम स्पॉट आ मेडल नहीं ट्रॉफी। थर्ड थर्ड सेकंड थर्ड इसमें भी अलग अलग नाम है सबके। नहीं नाम बस स्पीकर जो पार्टिसिपेट किए थे ये जो ट्रॉफी आप लोगों को मिलेगी आप लोगों को मोटिवेट करेगा। जिनको नहीं मिलेगी वो अगली बार मेहनत करिएगा। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं मिला तो आप लोग फ्रस्ट्रेट हो या फिर आप लोग परेशान हो कि मुझे क्यों नहीं मिला। सभी को मिलेगा। आप उस लायक बनोगे तो कोई किसी को जज नहीं करेगा। हम रेगुलर के हिसाब से जो रेगुलर रहते हैं और वो इंग्लिश में भी अच्छे हैं, उनके बिहेवियर सब कुछ ठीक है, इमोशनली सब कुछ कनेक्टेड हर चीज़ है, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके ये दिया जाता है। यानी फ्रेंडली फ्रेंकली हर तरीके से। यानी ऐसा नहीं कि कोई बहुत अच्छा स्पीकर है तो उसको मिल जाए, या ऐसा नहीं कि कोई बहुत रेगुलर भी रहता हो आप बोल ना पाते हो इंग्लिश तो भी मिल जाए। यानी इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये मिलेगा। ये सर्टिफिकेट जिनको मिला तो सर्टिफिकेट है एक तरह का, लेकिन ये जो मिलेगा ये एक तरह का ट्रॉफी है और ये उन्हीं लोगों को मिलता है जो बेस्ट होते हैं। सभी को नहीं दे सकते हम, बस तीन लोगों को हमने यानी कैंपस ने डिसाइड किया देने के लिए और उन लोगों को हम देंगे फिलहाल। आप एक बार मैम आप छोटे से शुरू करेंगी थर्ड से और उसके बाद। तो थर्ड पोजीशन है मिस महक। कांग्रेचुलेशन। ठीक है सेकेंड पोजीशन है मोहम्मद शरीफ। आप भी थोड़ा हाथ लगा दो। चलो फर्स्ट पोजीशन गोज फॉर मिस्टर दीपक चंद्र। भैया फोटो ले लो। स्माइल भी करना होता है। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। तो जिन जिन को मिली है वो लोग आकर के यहाँ पे एक मिनट दो मिनट अपनी खुशी भी बताएंगे। नहीं समझे कि आपको लेकर के कैसा लग रहा है। चलिए जितने भी लोग अवार्ड पाए उन सभी के लिए एक बार थोड़ा जोरदार ताली बजाइए आप लोग। मुझे काफ़ी खुशी है। हेलो लिसन हो गया सर।
जिन लोगों को नहीं मिली है वो एक बार थोड़ा सा फिर से मेहनत करेंगे, थोड़ा डिसिप्लिन में रह करके, साथ में रेगुलर रह करके और साथ में थोड़ा सा और मेहनत करके आप लोग इंग्लिश बोलो। ऐसा नहीं कि डिप्रेशन में होकर मुझे नहीं मिला या इसे नहीं मिला, इस तरह से बोलने से अच्छा है, करने से अच्छा है कि आप अपने आप पर मेहनत करो। दूसरी जगह टाइम देने से अच्छा खुद पर टाइम दो, खुद को स्किल्सफुल टैलेंटफुल बनाओ ताकि आपको कोई ना चाह के भी देने पे मजबूर हो अवार्ड। नहीं समझे? देखो अवार्ड देने के लिए चूज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। वो जब मुझे मिलता था तब मैं सोचता था कि मेरे को इस तरह कैसे, मतलब क्यों नहीं मिल रहा है, या मिलता था तो मैं सोचता था उसे क्यों नहीं मिला, मेरे को मिलता था मैं सोचता था दूसरे के बारे में। नहीं समझे कि मेरे को कैसे मिल गया, उसको मिलना चाहिए था, ऐसे ही लगता है। लेकिन लगता जैसे है वैसे सामने वाले को, जो टीचर है, जो ऑनर है, जो बॉस है, जो भी आपको ये सब देता है उसको कैसा लगता है वही डिसाइड करता है। यानी कहने का मतलब है कि किसी को मिले ना मिले उससे कोई भी माइंड नहीं करेगा। आप लोग फिर से एक बार लग करके मेहनत करो, अगर आप रिज्वाइन कर सकते हो तो आपके पास सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट है तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। या कैंपस के लिए आपके लिए पास दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे रिस्पेक्टफुली, क्योंकि पास अवार्ड और सर्टिफिकेट साथ में। जिन जिन के पास सर्टिफिकेट होते हैं उनकी अलग से एक पहचान होती है और उनको अलग से हम एक ट्रीट करते हैं जब भी वो कैंपस में आते हैं। यानी सर्टिफिकेट पाने वाले की एक अलग वैल्यू होती है क्योंकि हम उसको अपने फैमिली जैसा, यानी सब तो फैमिली ही है लेकिन वो थोड़ा सा स्पेशल होते हैं। नहीं समझे? क्योंकि सर्टिफिकेट देना लेना हर किसी के बस की बात होती नहीं है। तो आप लोग जिन लोगों को सर्टिफिकेट मिली है वो लोग बहुत खुश नसीब है, जिनको नहीं मिली है वो अब ट्राई करो कि आगे से मिले, क्योंकि ये हर साल में एक बार आपको कराया जाएगा या मुमकिन है दो बार भी कराया जाए हर छः महीने पर। और चूँकि मैं लड़का हूँ, मैं तो कोई बूढ़ा आदमी हूँ नहीं, तो मैं ऐसे ऐसे काम करता रहता हूँ कि आप सोच जानते ही हो, मैं कभी भी कुछ भी करता हूँ। आप लोग स्टूडेंट्स के लिए जितने भी चीज़ें होती है और साथ में इंस्टीट्यूट को ग्रो करने के लिए जितनी भी सारी चीज़ें होती है सब कुछ कर देता हूँ मैं। यानी साल भर में आपको घुमा कर लिया है ना, अवार्ड सेरेमनी जा रही है, ये सब कुछ एक कैंपस का है। जो आप मान लो जो एक ड्रीम है ना, ये इतना सस्ता ड्रीम तो है नहीं कि ये सब हम ना करें। नहीं समझे? हालांकि कोई भी नया इंस्टीट्यूट में 10 महीने में इतना सब कुछ कोई करता है कि नहीं करता, मेरे को तो पता नहीं, मेरी नज़र में कोई नहीं करता, लेकिन मैं काफ़ी कुछ करता रहता हूँ स्टूडेंट्स के लिए। आप लोग करो, अच्छा करो, जब भी अच्छा करोगे अलग से आपको सम्मान दिया जाएगा। नहीं समझे? और देखो फ्यूचर में जब भी इसके बाद जो भी होंगे, तो हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे पास हों तो फिर हम एक हॉल बुक करेंगे और उसमें माइक से ही काम होगा सब कुछ। नहीं समझे? जैसे कि ये तो माइक मतलब क्या कहें, मतलब काम चला हुआ है। वहाँ पे थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल पे होगा, थोड़ा सा बड़े लेवल पे होगा और वहाँ पे सब कुछ एक तरीके से होगा और सिस्टम से होगा। नहीं समझे? फिलहाल जितने भी लोगों को मिला है उनके लिए एक बार फिर से मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप लोग अपने लिए ताली बजाओ। देखो मैं बीइंग अ गुड टीचर, मैं मेरे लिए अगर ताली बजा सकते हो तो थोड़ा बड़ा धीरे धीरे बजा दो। अब बजा सकते हैं। हाँ बजा रहा हूँ सर जी, अभी तो आ रहा हूँ। तो काफ़ी खुशी का मौका नहीं है? नहीं समझे? ये वाला सेशन भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से चला क्योंकि आप लोग काफ़ी सपोर्ट किए हैं, काफ़ी प्यार दिए, काफ़ी खुशी हो रही है मुझे, क्योंकि इतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई इंस्टीट्यूट ग्रो करे। नहीं क्योंकि देखो ये तो मैं ट्रूली बता रहा हूँ कि जी 10 महीने हुए हैं लेकिन हमने काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया है। नहीं समझे? आप देखेंगे तो शुरू से अगर स्टूडेंट्स को देखेंगे तो काफ़ी स्टूडेंट्स अच्छे अच्छे बोल के गए हैं। शाम में स्पीकर से जो इस टाइम पे नहीं आ पाते हैं वो अभी आए भी नहीं हैं। अगर आप मिलेंगे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे ही चल रहा है, आप जो भी यहाँ पे पढ़ते हैं उनका हमेशा अगर ज़ीरो है तो भी 3 महीना होने के बाद वो 2-3 मिनट 4 मिनट इंग्लिश बोलने के लायक हो जाता है, यानी उसकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और उसके बाद 10-15 दिन भी कोई क्लास ज्वाइन करेगा रिज्वाइन तो उसकी इंग्लिश अच्छी हो जाती है। आपको मोटिवेट करने के चक्कर में मैं क्या क्या कर रहा हूँ आप लोगों की एक, मतलब देखो हमेशा कोई बोलता है इंग्लिश ना, आपसे ज़्यादा आपको बोल करके खुशी होती है कि नहीं होती मेरे को पता नहीं। आप अगर इंग्लिश बोलते हो तो मेरे को कितनी खुशी होती है आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन इस टाइम जब मैं पढ़ाता हूँ और कोई स्टूडेंट स्पीकर बनता है बोलता है इंग्लिश तो कितनी खुशी होती है, कसम से उस बोलने वाले को उतनी नहीं होती होगी जितना पढ़ाने वाले को होती है। चलो इतने कम समय में इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, फिलहाल काफ़ी खुशी की बात है।